नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी मध्य प्रदेश में जारी है। इस यात्रा का प्रदेश में आज नौवां दिन है और दिन ब दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। वहीं प्रदेशवासी इस रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। गुरुवार सुबह उज्जैन से यात्रा की शुरुआत के बाद से ही यहां गजब के नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आज एमपी की विदिशा जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते नवीन कुठारी अपने रक्त से बनी पेंटिंग राहुल गांधी के देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिला रहे हैं। विदिशा के स्वतंत्र संग्राम सेनानी के पोते नवीन कुठारी ने अपने खून से राहुल का पेंटिंग बनाने का दावा किया है। एमपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी है। अरुण यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि विदिशा जिला के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पोते नवीन कुठारी अपने खून से बनी पेंटिंग राहुल गांधी को देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा से कदम मिला रहे हैं। यात्रा में शामिल लोगों में खून से बनी पेंटिंग चर्चा का विषय है। लोग राहुल के प्रति उनके विशेष लगाव की चर्चा कर रहे हैं। बताया जाता है कि पेंटिंग के साथ वह भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कुछ दूरी चले भी। बता दें कि सुबह 6 बजे से शुरू हुई इस यात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। साथ ही आज भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर पहुंची। वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ चली। गौरतलब है कि यह यात्रा कल यानी 2 दिसंबर आगरा मालवा जिले पहुंचेगी, जिसके बाद 4 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा आगर मालवा से राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।